हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। स्टूडेंट, जो आज वीडियो मैं लेके आई हूँ, ये वीडियो हमारी होने वाली है जो DSSSB 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं मार्च में। ठीक है, मार्च में जो DSSSB के एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जो भी हमारी जीके पूछी गई है उसके सारे ही क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप इन 2003 इन कायरो। ठीक है, देखिए ये प्रेजेंट के क्वेश्चन है तो ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ, टिलोटा मैन सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्रू हाउ मैनी स्टेट डज रिवर गंगा फ्लो, मतलब कितनी स्टेट है हमारे भारत के अंदर जहाँ से गंगा बहती है, तो कितनी है भाई टोटल स्टेट, 11 स्टेट से गंगा बहती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द अल्टरनेटिव इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अबूजा मारिया गारो आर्या संथाली संघाला लैंग्वेज। तो ये जो जितनी भी लैंग्वेज हैं, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, गारो है, संथाली है, सांगला है, ये सारी ही लैंग्वेज किसकी है, ना ये क्लासिकल है, ना ये फॉरेन है, ना ये ऑफिशियल है, ये सारी क्या हैं, ऑल दीज आर द ट्राइबल लैंग्वेज। एक मिनट स्टूडेंट, एयरप्लेन मोड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच डे मार्क्स द ट्रांजिशन ऑफ इंडिया फ्रॉम एन ऑटोनोमस कॉमनवेल्थ रियल्म विद अ ब्रिटिश मोनार्क एज द नॉमिनल हेड ऑफ द इंडियन डोमिनियन टू अ फुली सोवियन कॉमनवेल्थ रिपब्लिक, किसे विद द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज द नॉमिनल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। तो कौन सा डे था जिसको ऐसे मनाया गया था, तो ये था हमारा रिपब्लिक डे। नेक्स्ट देखते हैं, इन मई 2003 स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क ये एक तरह की पॉलिसी थी, फर्स्ट पॉलिसी थी इंडिया में, लॉन्च की गई थी कौन सी स्टेट के द्वारा, ये हमने बताना है। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की थी, तेलंगाना ने। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे, वेयर इज़ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, का पूछा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है हिंदी लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए, महात्मा गांधी, नाम क्या है यूनिवर्सिटी का, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, वर्धा में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है भाई, ओनम जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये कौन सी स्टेट का है, तो ओनम कहाँ पे मनाया जाता है, केरल के अंदर ओनम को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर वर्षा सीजन फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो वर्षा का जो सीजन है वो कौन से मंथ में आता है, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आता है श्रावण भद्रा की, जो लोकल हम देसी महीने बोलते हैं, सावन और श्रावण हम बोल देते हैं, तो श्रावण भद्रा में वर्षा ऋतु आती है। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एज पर आर्टिकल 324 हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 324 के हिसाब से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कंट्रोल करता है इलेक्शन पे, तो कौन होता है भाई, ये ना तो इन तीनों में से कोई होता, ना डिविजनल कमिश्नर, ना म्यूनिसिपल, ये ड्यूटी किसकी होती है, ये होती है इलेक्शन कमिश्नर की, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। अब देखिए, हमने मैच करना है कॉलम ए को सेक्स रेशियो के हिसाब से और कौन सी जनगणना के अनुसार, सेंसस 2011। तो सबसे पहले लक्षद्वीप की, जो कि एक यूनियन टेरिटरी एक साइड हमें दी गई है और एक तरफ हमें सेक्स रेशियो मेंशन की गई है, तो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की, पॉपुलेशन नहीं है भाई, सेक्स रेशियो है, और कौन सी सेंसस के अनुसार पूछी गई है, 2011 सेंसस के अनुसार, तो फर्स्ट का रहेगा सी, 1946 है, हजार पे ये होती है भाई। तो दमन और दीव की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कम है, 618, चंडीगढ़ की बात करते हैं तो भाई हम 818, और पुडुचेरी की हमारी कितनी रहेगी, 1037 है। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो किससे डील करता है, कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन की, जो इलेक्शन कमीशन है उसका कंपोजिशन हो, तो इसमें कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो डील करता है, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 324।
ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज करेक्ट फॉर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थर्न इंडिया. मतलब कौन सा एक रीजन करेक्ट है किसके लिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पे जो होता है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, तो ये है शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया. ए ऑप्शन हमारा सही है. बात करते हैं क्वेश्चन टेंथ की. तो क्वेश्चन टेंथ कहता है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन. तो कहाँ पे हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, तो ये कहाँ पे है भाई, एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, कौन सी सेरेमनी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ऑफ रिपब्लिक डे टेक प्लेस एवरी ईयर. तो ये जो सेरेमनी है हर साल कब सेलिब्रेट की जाती है, 29th of January को. ठीक है. नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया. अब किसका पूछ लिया, किसी स्टेट का नहीं पूछा, इसका मतलब हमें स्टेट का भी पता होना चाहिए. सेक्स रेशियो जो है, लिटरेसी रेट जो है, ये आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. तो क्या था हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट, 74.04%. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए वेयर वॉज द दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा फाउंडेड बाय महात्मा गांधी. तो ये जो सभा थी ये महात्मा गांधी ने कहाँ फाउंड आउट की थी भाई, तो ये थी मद्रास के अंदर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार अरेंज करना है यूनियन टेरिटरी को. क्या पहले सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग हमने उसको मैच किया था कॉलम ए को कॉलम बी से, अब हमने लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. पहले वो जिसकी कम लिटरेसी रेट है, फिर पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम और फिर कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमसे पूछा है. तो सबसे पहले सबसे कम किसकी है, लक्षद्वीप की, फिर किसकी है, दमनदीव की, और फिर दिल्ली की. मतलब दिल्ली की अगर हम यहाँ बात करें तो जो लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार वो सबसे ज़्यादा है, और इधर हम बात करें कम की तो जो हमारा लक्षद्वीप है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ का लिटरेसी रेट सबसे कम था उस जनगणना के अनुसार. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, ये आता है आर्टिकल 76 के अंडर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ माउंटेन फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के नाम है, तो ये कहाँ पे मिलता है भाई, कौन सी स्टेट के अंदर है माउंटेन फॉरेस्ट, हिमाचल प्रदेश के अंदर. नेक्स्ट देखिए इन अप्रैल 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज अप्रेज्ड अ प्रपोजल फॉर एन अमाउंट ऑफ 6.35 crore rupees फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ टैप्स एंड फॉर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन अंडर द निर्भया फंड. तो ये किसने मतलब कौन से जो मिनिस्ट्री थी उसने अप्रेज किया था इस प्रपोजल को, इस अमाउंट को किसके लिए, सिक्योरिटी ऑफ वुमेन की हम बात कर सकते हैं, और जो किसके अंदर आती है, निर्भया फंड के अंदर. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको अप्रेज किया था. सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन है विच इज़ अ सेल ऑर्गेनली फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स. देखिए वैसे तो प्रोकैरियोट में हम बात करें तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है ना वो प्रेजेंट नहीं होती, और यूकैरियोट्स में होती हैं. अब जो राइबोसोम है वैसे तो ये यूकैरियोट्स में भी होती है, लेकिन यहाँ पे बात की है ओनली ऐसी एक ऑर्गेनली बताओ जो कि प्रोकैरियोट में होती है. तो प्रोकैरियोट में हमारा क्या होता है, राइबोसोम. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अंडर आर्टिकल 243 के कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन ऑफ पंचायत शैल बी वेस्टेड इन. तो जो कंडक्ट करता है सारे इलेक्शन और पंचायत के वो किस में आते हैं, डेट कम अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट फाइलोटैक्सी ये भी एक साइंस का क्वेश्चन है. तो फाइलोटैक्सी होता क्या है, फाइलोटैक्सी होता है द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द स्टेम ऑफ ए ब्रांच.
स्टेम और ब्रांच, देखिए स्टेम और ब्रांच सेम ही होता है। तो जो एक प्लांट होता है, प्लांट के अंदर जो स्टेम है या फिर हम कहें जो ब्रांच है, उस पर लीव का अरेंजमेंट आप कभी भी देखना, हर प्लांट का एक डिफरेंट तरीके से मिलेगा लीव्स का अरेंजमेंट। तो वो जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है स्टेम पे या ब्रांच पे, उसी को एक टर्म दी गई है जिसको हम बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ठीक है, सॉरी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड द स्टेट एंड एनी अदर अथॉरिटी और बॉडी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो ये कौन करता है ये ड्यूटी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम द साइंस। क्वेश्चन क्या है? द डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन, ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यू। डीकम्पोज हो गया प्रोटीन, फिर ब्रेक डाउन हो गया टिश्यूज का, एंड लिक्विफैक्शन ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, जो ऑर्गन थे वो उनका भी लिक्विड, मतलब दे ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू लिक्विड, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द पुट्रिफैक्शन। ठीक है, ये भी साइंस के टर्म है जहाँ पे प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन हो गया, टिश्यूज भी टूट गए और जो ऑर्गन्स थे बॉडी के वो भी लिक्विफैक्शन हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं? पुट्रिफैक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज सभी को पता है जो सेक्सुअल सेक्स के दौरान ट्रांसमिट हो जाती हैं, डेट इज़ द सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो सबसे पहले ये कहता है हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू क्या है इनके बारे में। तो देखिए, सेक्स लिंक्ड डिजीज आर इनहेरिटेड थ्रू वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू भी जाती हैं, और सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं भाई? एक्स और वाई ही होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, बाकी के जो 21 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम ओनली एक्स एंड वाई। तो ये बिल्कुल सही है, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेक्स लिंक डिजीज आर इनहेरिटेड। अब हम देखिए, जब एक्स और वाई दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ओनली एक्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स लिंक डिजीज। तो ये हमारी गलत हो गई स्टेटमेंट। हीमोफीलिया भाई सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ब्लड की कमी से हीमोफीलिया होता है। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं भाई, थर्ड ठीक है, हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है ठीक है ठीक है, थर्ड हमारा करेक्ट है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से। तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर टोबैको बर्ड वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म्स? तो इनके अनदर नेम पूछे हैं, तो इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? लैपिडोपैट्रंस। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द लीव ऑफ विच टेरिडोफाइट लुक मोर लाइक ए फोर लीफ क्लोवर देन ए टिपिकल फर्न लीफ। देखिए, प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। तो इन्होंने पूछा है कि कौन से टेरिडोफाइटा ऐसा है जिसके लीव किस जैसे दिखते हैं? फोर लीफ क्लोवर जैसे देन ए टिपिकल फर्न लीफ। तो ये किस कौन से प्लांट के होते हैं भाई? मार्सीलिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो कॉलम दिए गए हैं और इनको हमें जैसे एक साइड हमें मेंशन है विटामिन और सेकंड साइड मेंशन है डेफिशिएंसी डिजीज़। देखिए, मैंने विटामिन और उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ की एक वीडियो भी आपको कराई थी, और मैंने वहाँ पर हर विटामिन से रिलेटेड कि कौन से विटामिन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्रिएट होती है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो मेरी वीडियो जाके देखिए। तो अब देखिए, इंसुलिन, इंसुलिन ना ये क्या होता है? एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, और अगर इसकी कमी बॉडी में होती है तो ये डायबिटीज़ को कोस करता है। ठीक है, सेकंड है विटामिन ए, अभी ऊपर बात की थी। तो विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, थर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है ये। तो अगर ये हमें हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं जाएगा तो डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑब्वियसली मेरास्मस हो गई, क्वासी
वर्कर हो गया। इस तरीके की डिजीज हमारी बॉडी में क्रिएट होती है और विटामिन डी की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एप्रोप्रिएशन बिल। तो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है एप्रोप्रिएशन बिल के साथ, तो ये है हमारा आर्टिकल 114। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कॉम्प्रिहेंशन किसका आ गया भाई, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट भाई। यस, ये भाई इंग्लिश के है, ये वीडियो भी मैं बाद में लेके आऊँगी, लेकिन अभी हम जीके के ही क्वेश्चन करेंगे। मैच द इंस्टीट्यूशन इन कॉलम ए विद देयर रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है GATT, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है ये किसका है, फ्री ट्रेड का। IMF मैनेजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, IBRD ये डेवलपमेंटल फाइनेंस से रिलेटेड है, और UNO मेंटेनेंस ऑफ पीस अमंग द नेशन, यूनाइटेड नेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है, शांति को बनाए रखना सभी देशों के बीच में। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अराउंड 1793 हु अमंग द फॉलोइंग सेपरेटेड द जुडिशियल फंक्शन फ्रॉम रिवेन्यू फंक्शन इन ऑर्डर टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट। तो 1793 के अंदर किसने सेपरेट किया जुडिशियल फंक्शंस को रिवेन्यू फंक्शन से, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रांसपेरेंट रहे। तो इसको करने वाले कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट हैज स्वेलिंग एट रेगुलर इंटरवल। मतलब कौन सी रूट है जो स्वेलिंग होती है थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, तो मोनी ऐसी रूट को हम बोलते हैं मोनिली फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स विच रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ द पब्लिक टू निकोबार आइसलैंड केम इन टू द फोर्स। मतलब वहाँ पे जो निकोबार आइसलैंड में, वहाँ पे पब्लिक की एंट्री बैन कर दी गई इन जो ट्राइब से उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो फोर्स, ये जो लॉ बनाया गया, ये कब फोर्स में आया ये हमसे पूछा है, तो ये कब आया था भाई, 1956 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द किंगडम ऑफ गोनेडो फेयर्स कोलैप्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मेजर इन्वेजन बाय द कोशान अंडर कुजलू कैडफिसस। एक बार इसको देख लेना भाई क्या है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज रुद्रांक्स पाटिल रिसेंटली वोन गोल्ड मेडल इन द डैस इवेंट एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 जो कि कायरो इजिप्ट में हुए थे। तो उसने किस में जीता था, 10 मीटर एयर राइफल में, जो कि इंडिविजुअल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन द इंडियन डेजर्ट लाई टू वर्ड्स विच मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। तो इंडियन डेजर्ट अरावली हिल के किस मार्जिन पर लाई करता है, तो ये वेस्टर्न में लाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं जल महल स्टैंड एट द सेंटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। सभी को पता है जल महल हमारा राजस्थान में है और ये पानी के अंदर है, तो कौन सी लेक के अंदर ये प्रेजेंट है, मानसागर लेक के अंदर है। ठीक है भाई, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल फैक्ट्री सेटअप। तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने पहली टेक्सटाइल, जो मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल फैक्ट्री है वो सक्सेसफुली सेटअप कर ली है, तो ये किसने की है, महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र में हुई है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द इंडियन फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इंडिपेंडेंस डे पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो झंडा कहाँ फहराता है, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर, लाल किला जो कि दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11 है द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको ऐड किया था भाई भारत के संविधान में, तो कब किया गया था, 2002 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, और उन स्टेटमेंट्स में से हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है, द लोकसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जी नहीं, लोकसभा, दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड है अपार्ट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा हैज 12 मेंबर डेट इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट। ये बिल्कुल सही है कि उन 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट,
करता है, हमारे देश का राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है एट प्रेजेंट देर आर 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी सही है। ठीक है, सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है हमारी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन इंडिया, कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो रेगुलेट करता है मनी के, पैसे के सर्कुलेशन को इंडिया में, तो इसका भी सभी को पता है आई थिंक, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, तो ये आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट याद रखिए 8° 4′ N 2 37° 6′ N। विद रेफरेंस टू कंजप्शन फंक्शन आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उसके उसमें कौन सा जो एक त्यौहार है हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, सभी को पता है ये भी, जन्माष्टमी। Which of the following option is not a type of root? तो देखिए root की further type हम 6th-7th में पढ़ लेते हैं, ये सारी tap root होती है, adventitious root होती है, fibrous root होती है, अलग अलग तरीके की होती हैं ये root। तो potato जो है ना, potato वो एक type नहीं है root की, potato एक stem की type है, ठीक है, potato is a stem not a root। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन अप्रैल 2023 द फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ 179 मैन ग्रुप पिटा बर्ड्स वॉज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये किस स्टेट ने कंडक्ट किया था, ये कंडक्ट किया था उड़ीसा ने। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेशन सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन मई 2023, तो इसरो ने लॉन्च किया था भाई, और वो कौन सा लॉन्च किया था, NVS-01। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, नेम द पेलियोलिथिक साइट ऑफ द जम्मू एरिया वेयर अर्ली पेलियोलिथिक टूल्स वर फाउंड इन आर डिपॉजिट, तो ये कहाँ पे मिले थे, उत्तरा बेनी में। ये इंग्लिश का है भाई, बीच में ये आ गए हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, सॉरी यहाँ से, ठीक है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, लीव इट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया, तो कौन सा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, जो कि हमारी एशिया कॉन्टिनेंट से हैं, तो ये कौन सा करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द फिलिप कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ट्रू स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कर्व देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है, मुथहूट फाइनेंस लिमिटेड, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NSSO डाटा फॉर द ईयर 2004-05 पॉवर्टी लेवल इन इंडिया हैज़ कम डाउन टू, मतलब वो कितना नीचे आया है, डेट इज़ 21.8%। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंसिडर द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम टू एस्टिमेट द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कौन सा मेथड है, दिस इज द प्रोडक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, हु वर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया, स्टेफोर्ड क्रिप, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, तो ये तीनों ही हमारे सही हैं। What is the degree of aggregate supply curve at macroeconomic equilibrium position? तो degree of aggregate जो है वो क्या है, 45। The hold of which dynasty over Gandhara led to the development of Gandhara School of Art? तो किसने किया था भाई, ये कुषाण डायनेस्टी ने।
बेसिक आइडेंटिटी ऑफ जीडीपी इज, तो जीडीपी में क्या देखते हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है, जो कि किसकी करेक्ट स्टेटमेंट है, सत्य शोधक समाज की। तो पहले पूछा गया है, इट वॉज फाउंडेड इन द मद्रास प्रेजिडेंसी, ये गलत है। इट वॉज द मूवमेंट डेट एडवोकेटेड इक्वलिटी इन द सोसाइटी, ये एक तरह की मूवमेंट लाई गई थी जिसमें ये बोला गया था, इसलिए ये मूवमेंट आई थी कि हर जो इंडिविजुअल है सोसाइटी का वो इक्वल है, ठीक है, सत्य शोधक समाज में इक्वलिटी लाने का प्रयास किया गया था, तो ये सही है। इट वॉज एस्टैब्लिश बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये बिल्कुल गलत है, ये भीमराव अम्बेडकर ने एस्टैब्लिश नहीं की। तो देखिए भाई, इसको जो इसके हम ये बोल सकते हैं, एस्टैब्लिश जो ये की थी, ये ज्योतिर्बाई फुले ने की थी, और उन्हीं की वाइफ थी सावित्री बाई फुले, जिन्होंने आगे जाकर इनका काफ़ी साथ दिया था समाज में और गर्ल्स की एजुकेशन में। जहाँ तक हम बात करते हैं तो सावित्री बाई फुले का काफ़ी हाथ है, जो कि इनकी वाइफ थी ज्योतिर्बाई फुले की। नेक्स्ट देखिए, द क्लासिकल एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड एज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइड डेट डैश वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकोगनाइज एज अ किंग एंड दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, फिर उनको प्रिंस बोला जाएगा। तो ये किसने डिसाइड किया था, ये डिसाइड किया था बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पीएलआई स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि अप्रूव हुई थी मार्च 2021 में विद अ बजट आउटले ऑफ 10,900 करोड़। तो जो ये पीएलआई स्कीम थी, इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी है कि पीएलआई स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डेट इज़ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फादर ऑफ किंग हर्षवर्धना, जो हर्षवर्धन थे उनके फादर का नाम पूछा गया है, तो प्रभाकर वर्धना इज द वॉज द फादर ऑफ द हर्षवर्धना। नेक्स्ट पूछा है, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन नहीं है खाली, कंजम्पशन फंक्शन है, ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट शो द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम, इनकम क्या थी और उसका कंजम्पशन कितना हुआ, तो दोनों के बीच का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इट शो द कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुप्ता एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, प्रांतों में वो बट गया, तो उसको क्या बोलते थे, डेट इज नोन एज द भुक्ति। सत्य शोधक समाज, देखिए अब ये क्वेश्चन नीचे पूछ लिया, ऊपर ये पूछा कि इसके बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट है वो बताइए, और अब हमसे पूछ लिया कि जो सत्य शोधक समाज था उसको फॉर्म करने वाले कौन थे, और फॉर्म कब हुआ था, 1873 में, और अभी मैंने बताया था ये किसने किया था भाई, ज्योतिर्बाई फुले ने, कहाँ पे, पुणे के अंदर, जो कि महाराष्ट्र में है, और डेट पूछे तो 24 सितंबर 1873 को ये सेटअप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फंडेड द शुग डायनेस्टी, तो इसको किसने फंडेड, नॉट फाउंडेड, फाउंड किसने किया था शुंग डायनेस्टी को, तो ये क्या था भाई, पुष्यमित्रा शुंग ने। वट आर अनसोल्ड गुड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स, तो क्या होगा, अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज, तो कौन मूव कर गया था, हर्षवर्धना। When were the first Paleolithic tools discovered in India? तो ये कब डिस्कवर हुआ था, शायद ऊपर भी ये क्वेश्चन आया है, in 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोग्राम वॉज अनाउंस्ड इन द बजट 2023 टू एनक्रेज बिहेवियरल चेंज एंड
इंसेंटिव इज एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल एक्शन। तो कौन सा प्रोग्राम है जो कि अनाउंस हुआ है बजट 2023 में? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखिए, जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों को और संस्थाओं को पर्यावरण में उनका जो पॉजिटिव योगदान है, सकारात्मक योगदान है, तो अगर किसी ने किया है तो उस चीज़ के लिए उनको पुरस्कृत करना, उनको हम ये कह सकते हैं कोई इनाम वगैरह देना। तो ये इससे क्या होगा, जो कार्यक्रम है स्वैच्छिक पर्यावरण कि हमें अपना पर्यावरण अच्छा रखना है, सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे, पुरस्कृत जब हम करेंगे तो इससे क्या होगा, ये एक स्थायी जो जीवन शैली है उसको बढ़ावा देगा। तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश वॉज लॉन्च ऑन 12 नवंबर 2021 टू प्रोवाइड वन स्टॉप एक्सेस टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिटेल इन्वेस्टर। तो ये कौन सी स्कीम थी? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट द क्वांटम ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड सब्सिडी वॉज द हाइएस्ट। तो ये कौन से ईयर में था? 2023 में और 24 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइटल वॉज यूज बाय कुशान किंग्स। तो कौन सा जो टाइटल है यूज़ किया था कुशान किंग ने? देवापुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ प्रोड्यूसर। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वुमेन वर्कर इन इंडिया। तो वुमेन वर्कर इज नॉट रिकोगनाइज इन द सोसाइटी, नॉट करेक्ट पूछा है, तो उनको तो कंसिडर तो किया जाता है भाई, ये तो करेक्ट नहीं है। अदर फैमिली मेंबर डिस्क्रेस फीमेल मेंबर फ्रॉम टेकिंग अप जॉब, नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है भाई। मैनी हाउस होल्ड एक्टिविटी डन बाय वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज एज प्रोडक्टिव वर्क, ये भी करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द वुमेन आर लेस इंटरेस्टेड इन वर्क, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, फोर्थ वन। नेक्स्ट देखते हैं, अटायरमपक्कम इज ए पेलियोलिथिक साइट, जो कि कहाँ पे है? अटायरमपक्कम ये पेलियोलिथिक साइट है, लोकेटेड है ये तमिलनाडु में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1909 हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। तो ये किसने कहा था? ये हमारे महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, दे थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर क्लश पेयर आर लाइक सर्टन वे, ये भाई उसका आ गया फिर हमारा जीके का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कियाना प्रिहार हु वॉज इन न्यूज़ इन दिसंबर 2023 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो इनका जो रिलेशन था वो था चेस से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान। तो एक लोकेट मतलब वहाँ का नहीं है, एसोसिएट नहीं करता राजस्थान से, और हैं तो डेजर्ट फेस्टिवल वहीं का है, सूफी स्पिरिट फेस्टिवल है, कैमल फेयर है, लेकिन जो लोसार है दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ द राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक ऑफ हिमालय लोकेटेड इन इंडिया। तो हिमालय के अंदर जो पीक लोकेटेड है, पीक ऑफ हिमालय लोकेटेड है इंडिया के अंदर, वो है नंदा देवी सी। व्हेन इज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे भारत में हर साल? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को हर साल इंडिया में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो पार्ट 8th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो जो गुजराती है वो बिलोंग करती है, पंजाबी भी, हिंदी भी, लेकिन जो तमिल लैंग्वेज है इट डजेंट बिलोंग टू द इंडियन आर्या लैंग्वेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैड लॉन्च स्कीम फॉर रेजिडेंटियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया श्रेष्ठा. तो ये किसने जो स्कीम है ये लॉन्च की है, तो ये की है भाई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने. विजयनगरा किंग क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपक्षा. विरूपक्षा विच इज ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड डेट हैज बोथ टाइगर एंड लायन. तो ये कौन सी कंट्री है हमारी, इंडिया है, जहाँ पे दोनों ही हैं, टाइगर भी और लायंस भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ विटामिन डी. तो पूछा भाई इनमें से कौन सा विटामिन डी का सोर्स नहीं है एग से हमें. नॉट ए सोर्स, तो ये तो सोर्स है, एग भी है, लीवर भी है, फिश है, ये विटामिन डी के सोर्स हैं, लेकिन जो मैंगो है दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ विटामिन डी. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स फॉलो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह. तो फॉलोइंग मुगल एम्परर फॉलो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह, तो किसने फॉलो किया था, अकबर ने. नेक्स्ट देखिए आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डैट देयर शैल बी अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 52 के अंदर. एमिशन गैस रिपोर्ट 2023 वॉज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो जो ये एमिशन गैस रिपोर्ट थी 2023, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. कई बार हमसे UNEP की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो फुल फॉर्म क्या रहेगी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रीजनल रूरल बैंक वर स्टैब्लिश इन इंडिया. तो इंडिया के अंदर रीजनल रूरल बैंक जो थे वो स्टैब्लिश हुए थे 1975 में. फर्स्ट सिंह साहब वर फॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस. तो ये जो फर्स्ट सिंह साहब था ये कब कहाँ पे फॉर्म हुआ होगा, ये आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं. तो ये अमृतसर में ही है, तो यहाँ से तो इनका रिलेशन नहीं है. फर्स्ट सिंह साहब कहाँ पे फॉर्म हुआ, कौन से प्लेस पे, अमृतसर में. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन. तो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे पहला भी है दूसरा भी है, स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमोस्फेरिक दैट इज क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना डायनामिक्स एंड सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट ऑफ द सोलर कोरोना. यहाँ पे भाई काफ़ी छोटा है लेकिन मैं बोल देती हूँ, क्वेश्चन समझ आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सी एक ड्यूटी है जो ऐड की गई है भारत के संविधान में, और कौन से संविधान में पूछा गया, कौन से अमेंडमेंट के दौरान, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में. तो इसमें फर्स्ट ड्यूटी ऐड हुई थी डेट इज हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी देगा टू द एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड एज द केस मे बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर. जो कि बच्चा 6 से 14 साल का होगा, पेरेंट गार्जियन जो भी वो होगा वो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड. तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको कंट्री ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है, डेट इज द डेनमार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बेनाइज स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस. तो वो है हमारी पुदुचेरी. नेक्स्ट है भाई डैश इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू लो इनकम क्लाइंट इंक्लूड कंज्यूम एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड हु ट्रेडिशनली लैक एक्सेस टू बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विस. तो इसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस. माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस. नेक्स्ट देखिए LS इनकम इज 110% ऑफ NS इनकम LS एक्सपेंडिचर. भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप देख लेना, ये मेरे को समझ नहीं आएगा. पैसेज को आप अभी छोड़ दीजिए. Which event occurred immediately after the suppression of the revolt of 1857? तो 1857 की क्रांति के बाद जो अक्कर हुआ immediately, that is the act of 1858. Next है the chairman and member of UPSC hold office.
कब तक चेयरमैन रहता है या मेंबर रहता है यूपीएससी का बंदा, अनटिल दे अटेन द एज ऑफ द 65 ईयर, जब तक कि वो 65 साल के नहीं हो जाते। द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट कार्ले चित्र इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। व्हाट इज़ द कोज फॉर इनकम इनइक्वालिटीज इन इंडिया, तो कोज क्या है इनकम इनइक्वालिटीज का इंडिया के अंदर, कंसंट्रेशन ऑफ एसेट्स इन द प्राइवेट सेक्टर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन इम्पोर्टेंट हुना किंग, तो वो था भाई मिहिरा कुला। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द हीरो ऑफ द तमिल एपिक सिलापा डिक्रम, तो इसका हीरो कौन था, कोवालन। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द थर्ड एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे हमने मैच करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, तो कादम्बरी मानभट्ट इसके ऑथर थे, ये बुक लिखी गई है, एक साइड वर्क दिया गया है या उनकी बुक का नेम लिखा गया है और दूसरी साइड ऑथर का नेम मेंशन किया है, तो कादम्बरी के भाई मानभट्ट थे, रत्नावली के हर्षवर्धना थे, तो ये दोनों तो करेक्ट हैं, लेकिन जो नागानंद है वो जयदेव ने नहीं लिखी, तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं है। देखिए जो यहाँ पे कादम्बरी मानभट्ट की है, रत्नावली हर्षवर्धना की है, और नागानंद भी जो है ना ये वर्क भी हमारा हर्षवर्धन का ही था, जयदेव का नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, तो कौन था भाई इसका लीडर, हेनरी डेरोजियो, ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अमाउलमेंट्स अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये कौन से शेड्यूल में दी गई है, सेकंड शेड्यूल में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। विच ऑफ दिस फैक्टर लीड टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये होती क्या है, ये जब होती है जब किसी के श्रम का या मेहनत का या बल का एक हिस्सा या तो बिना नौकरी के रह जाता है या अनावश्यक रूप से काम करता है। ठीक है, वहाँ पे जो कार्यबल की उत्पादकता है ना वो प्रभावी रूप से शून्य हो जाती है, क्लियर, और ये बेरोजगारी है जिसका टोटल जो प्रोडक्शन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यहाँ पे तीनों ही इसके बारे में सही है, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, मोर नंबर ऑफ पीपल एंड स्मॉलर नंबर ऑफ जॉब होती है, लिमिटेड स्किल ऑफ नॉलेज है, तो ए बी और सी तीनों ही हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, तो ये कौन सा है, आर्टिकल 10। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ द सत्तावाहन वो सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये है सोपारा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ फोर्थ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, तो कौन थे इसके चेयरमैन, डॉक्टर पी वी राजमन्नार। Which of the following e-governance initiative has been taken by the government for the comprehensive coverage of the corporate sector both in manufacturing and services by the incorporation of annual account of companies? तो ये कौन सा था, MCA 21। Which of the following is the institution that regulates the share and security market? तो ये कौन सा institution करता है, Security Exchange Board of India। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल वॉज अज्यूम्ड बाय पुष्यभूति किंग प्रभाकर वर्धना, महाराजा धीराज, ये जो टाइटल था ये अज्यूम किया गया था महाराजा धीराज। एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस किसको इन्वॉल्व करता है, तीनों को ही, गैदरिंग द प्रोडक्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद गैदर करना है, स्टोरिंग द प्रोडक्ट फॉर फ्यूचर सेल के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं, एंड सेलिंग द प्रोडक्ट व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव, मतलब प्राइस इज हाई या फिर प्राइस इज नॉमिन, हम ये बोल सकते हैं कि हमें वो पसंद है उस तरीके का प्राइस, तो हम उसको सेल कर सकते हैं। द लेटिन टर्म फॉर अदर थिंग्स रिमेन इक्वल टू, डेट इज इक्वल टू सैट्रिस पैरिबस, पैरिबस। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कितनी यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे रहेगा 3। और देखिए भाई ऐसी कौन सी वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिसमें उनके खुद के लेजिस्लेटिव असेंबली हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, तो ये एक तो हमारा दिल्ली है, याद रखना है आपको तीनों ये हमारी यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू और कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, और थर्ड हमारी
पुदुचेरी है। ये तीनों ही यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 79। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पेलियोलिथिक साइट प्रेजेंटली सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसका नाम क्या है जो कि उत्तर प्रदेश में है, बेलन वैली। विच NBFC MFI has got merged with Indusland Bank in July 2019, तो ये जो मर्ज हुआ है, नाम क्या है, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड। Who among the following was not associated with काकोरी ट्रेन रोबरी केस, तो ये तीनों थे भाई, राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, केशव चक्रवर्ती थे और सचिंद्रा बख्शी थे, लेकिन ये नहीं था प्रफुल्ला चक्की। How is GVA at market price defined? तो कैसे हम इसको define करेंगे, GVA at basic price plus उसमें product का tax और minus होगा product subsidies। In which of the following state is Kurnool a paleolithic site situated? तो ये Kurnool नाम से जो paleolithic site है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर। Who among the following was the कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धना, मतलब वहाँ पे जो उसके शासनकाल में हम कह सकते हैं हर्षवर्धना के शासनकाल में, तो पोइट कौन था जो कि कंपोजर भी है हर्षचरित का, तो हर्षचरित किसने लिखी है, बाण भट्ट ने। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंशन डेट देर शैल बी अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये किस आर्टिकल में मैंशन है, आर्टिकल 76 के अंदर ये मैंशन है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन डेट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेजिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, तो ये किस आर्टिकल में मैंशन है, ये सारी बातें आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट है भाई, हु हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये हमारे यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमें मैच करना है क्रॉप को विद देयर इंडियन एग्जांपल्स, तो फूड ग्रेन क्रॉप क्या है, हमारी वीट, फाइबर्स क्रॉप में हमारी आती है जूट और प्लांटेशन क्रॉप में हमारी आती है टी, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा 4th। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 233 के अंदर है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द बुलंद दरवाजा लोकेटेड विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर, तो बुलंद दरवाजा जो कि अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया था, ये लोकेटेड है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है, डायरेक्ट याद रखिए 19 नवंबर को, ताकि रेज किया जा सके, पब्लिक अवेयर किया जा सके ब्रॉडर सैनिटेशन सिस्टम के बारे में, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट के बारे में और हैंड वॉशिंग के बारे में, तो ये कब सेलिब्रेट होता है, 19 नवंबर को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कॉमिमोरेट द अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं संविधान दिवस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ग्रोन इन इंडिया हैज़ ए वेराइटी कॉल्ड अरेबिका, तो ये किसकी वेराइटी है, कॉफ़ी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल, तो ये है नागा हिल्स है, पटाके हिल्स है, मिजो हिल्स है, ऑल आर द पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स, बट जावेदी हिल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। Which of the following brought sweeping change in the reduction in the education policy of the country, including the renaming of the Ministry of Human Resource Development as Education Ministry? तो ये कौन सी पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जो कि डिक्लेयर हुई है July 2020 में। In which of the following state is the Hornbill Festival, a festival of colors tradition celebrated usually between December 1st और 10th every year? तो ये भी मैंने festivals वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, ये होता है Hornbill नागालैंड के अंदर। फिर से मैच करना है सीजन के साथ क्रॉप को, और खरीफ की फसल है टुर, और भाई रबी की है बार्ले और जायद है मस्क मेलन, ठीक है, तो सेकंड बिल्कुल डायरेक्ट ये मैच हो रहे हैं।
सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इन द जुब्बारन माउंटेन वैली इन द फुट हिल्स ऑफ द शंकराचार्य हिल, उस लेक का नाम क्या है? डल लेक. नेक्स्ट है, इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल द इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड बी सेटअप विद द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 242.96 करोड़ ओवर 5 ईयर्स. तो ये कौन सी IIT थी? IIT मद्रास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज देर आर फॉर फॉरनर एज वेल दे आर एनफोर्सेबल इज अ फीचर. फीचर है तो भाई दे आर नॉन जस्टिसिएबल. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट ऑफ सिक्किम टू मार्क द बर्थ एनलाइटमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा. तो उस फेस्टिवल का नाम क्या है? सागर दवा. विच कंट्री इज द विनर ऑफ द मेन्स जूनियर एशिया कप हॉकी 2023? तो ये कौन था विनर? इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशन ऑफ ब्रेकिंग दही हांडी. तो ये दही हांडी को जो तोड़ा जाता है ये किसके अवसर पर? जन्माष्टमी के अवसर पर. विच आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया? सबसे वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट जो इंडिया के अंदर है वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. फिर से मैच करना है नेम ऑफ डैम्स और उनकी स्टेट के अंदर. तो सोमासिला डैम भाई आंध्र प्रदेश के अंदर है, निजाम सागर डैम तेलंगाना के अंदर है, उकी डैम गुजरात में है और पंधोहा डैम ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है. फर्स्ट ऑप्शन सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नॉट ए पेनिनसुलर रिवर? तो तापी है, महानदी है, कृष्णा, ये पेनिनसुलर रिवर है और जो घाघरा है इट्स नॉट अ पेनिनसुलर रिवर. विच अमंग द फॉलोइंग प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन झारखंड? तो ये सेलिब्रेट होता है टुसू. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज लेजिस्लेटिव असेंबली? ऊपर मैंने बताया था दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में खुद के लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा दिल्ली. विच वट इज़ द टर्म गिवन टू द इवनिंग थंडर स्टॉर्म इन बंगाल एंड आसाम? तो उनको जो टर्म दी जाती है नॉर वेस्टर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर रेंज इज कंसिडर्ड टू बी ए डेंजर जोन फॉर हैंडलिंग फूड? तो ये 40 डिग्री फारेनहाइट से 140 डिग्री फारेनहाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यू ड्यूरिंग द बहमनी रिजन हैड कवर्ड काउंटर यार्ड? तो जमा मस्जिद. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैप्चर एंड कंज्यूम इंसेक्ट? तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के काम है और ये है पीचर प्लांट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर GDP डिफ्लेटर? GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल GDP बाय रियल GDP. तो ये भाई कुछ क्वेश्चन थे हमारे आज की वीडियो के. होप करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप करें. थैंक यू एवरीवन.